हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, अगर इन प्रश्नों का उत्तर मात्र एक सेकंड में नहीं आया तो आज से मेरा वीडियो मत देखना। दोस्तों, देखते हैं हम अभी। इसका कितना हो जाएगा? 5। इसका कितना हो जाएगा? 8। इसका कितना हो जाएगा? यहां 5 लिखेंगे, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 ऊपर 1 + 31। इसका कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30 अर्थात 6 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 11 × 10 = 110 अर्थात 10 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 और 2 के बीच। ऑप्शन में भी ऐसा ही दिया रहेगा दोस्तों। इसका कितना हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा 1 और 2 के बीच। इसका कितना हो जाएगा? 9 × 8 = 72 अर्थात 9। इसका कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 156 अर्थात 7। इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? यहाँ 4 लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 2 × 4 × 8 × 16 ऊपर 1 + 15। लीजिए दोस्तों, आपने देखा कि मात्र 10 सेकंडों में 10 प्रश्नों का उत्तर आपने देख लिया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अगर आप में क्षमता है मात्र 10 मिनट के इस वीडियो को देखने की, तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा। और आप वीडियो देखने के बाद देख रहे होंगे कि हमसे पहले भी आप आंसर दे रहे होंगे, 1 सेकंड से भी पहले आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि हमने इसका आंसर रटा है, तो दोस्तों ना ही आंसर हमने रटा है और ना ही आपको रटने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी आंसर 1 सेकंड से पहले आए, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं हम आज की क्लास। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं हम। सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें आपको ऐसा ही दिया रहेगा, 30 + 30 + 30 अर्थात प्लस लगा है और कई बार रूट के अंदर संख्या दी गई है, ... संख्या दी गई है। कहां तक? अनंत तक अर्थात इन्फिनिटिव तक आपको संख्या दी गई है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस संख्या को बाहर निकालिए। तो बाहर निकाल लिया, कितना आ गया? 30। अब बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस संख्या को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है, ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिनका बीच का अंतर मात्र कितना हो? 1 हो। तो दोस्तों, इसको तोड़ेंगे, क्या होगा? 5 × 6 = 5 × 6 अर्थात 5 × 6 कितना होता है? 30। इनका दोस्तों डिफरेंस बीच का कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? 1। कितना है? 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इस संख्या को जो उठा के आपको बाहर लाना है और बाहर लाने के बाद उसे ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है जिसका बीच का अंतर कितना हो? 1 हो। और बस अगर प्लस लगा है दोस्तों, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर प्लस लगा है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगी और यदि माइनस लगा है तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगी। तो दोस्तों, क्या लगा है इसमें? प्लस। जब प्लस लगा है तो आपका आंसर हो जाएगा 6। देख लिया दोस्तों, अब आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, आप देखेंगे सबसे पहले इस संख्या को बाहर निकालेंगे, उसका ऐसा 2 गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि उनके बीच का जो अंतर हो कितना हो? 1 हो। उनके बीच का अंतर कितना हो? 1 हो। और अगर प्लस लगा है तो बड़ी वाली जो संख्या है वो हमारी आंसर हो जाएगी और माइनस लगा है तो छोटी वाली संख्या हमारी आंसर हो गई। लेकिन इसमें क्या लगा है? प्लस, तो बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर हो गई। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया दोस्तों? आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों,
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 110 माइनस रूट 110 कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है। दोस्तों इनमें दो प्रकार के ही सवाल आपको आएंगे, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या बताया, इस संख्या को निकाल कर बाहर लाइए, बाहर लाने के बाद इसे ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है, ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर कितना हो, एक। तो कैसा हो गया, 10 × 11 कितना होता है 110, इनका जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, एक। तो हमने कहा था अगर आप देखने की जरूरत, अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर और अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर, तो इसमें क्या लगा है दोस्तों, माइनस लगा है, तो हमारा छोटा वाला आंसर अर्थात क्या हो जाएगा, 10 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों बिल्कुल एक सेकेंड का भी टाइम लगेगा, आपको किसी भी प्रश्न में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार और समझते हैं, सबसे पहले से पकड़कर बाहर लाइए, बाहर लाने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे, ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि जिनका जो बीच का अंतर है वो कितना हो, एक हो, और जो भी अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और प्लस लगा होता तो क्या हो जाता आंसर, 11 हो जाता। एक सवाल और देख लेते हैं दोस्तों, हम छोटा देख लेते हैं थोड़ा। जैसे आपको सवाल दिया गया है, मान लो आपको सवाल दिया गया है 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस ऐसा डॉट 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 अनंत तक आपको दिया गया है, तो दोस्तों बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो आप सीधा कह देंगे कि सबसे पहले हमने 12 को यहां से उठाया और ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ा जिनका बीच का अंतर एक हो, अर्थात 3 × 4 कितना होता है, 12, इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका दोस्तों, एक है, तो इनका करेक्ट आंसर प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये जरूर समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + √1 + √1 अनंत तक जा रहा है। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले सवालों में देखा कि ऐसी संख्या होती थी जिनके बीच का डिफरेंस एक होता था, अगर अब कैसी संख्या आ गई कि जिनका बीच का डिफरेंस एक नहीं है, जैसे कितना संख्या लिखी, एक, तो उठा के हम बाहर लाए तो एक का जो करेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा, लेकिन क्या इनके बीच का डिफरेंस एक है, इनके बीच तो डिफरेंस क्या है, 0 का है, तो ये हमारा यहां पर काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप इसे मिटाएंगे, मिटाने के बाद आप देखेंगे कि एक इधर प्लस लगा है या माइनस, अगर प्लस लगा है तो आगे इसके आगे ऐसी संख्या देखना है जिसका गुणनखंड हो जाए और उनके बीच का अंतर एक हो, और अगर माइनस लगा है तो इसके पीछे वाली संख्या देखना है जिसका गुणनखंड कितना हो, गुणनखंड हो जाए और उनके बीच का अंतर एक हो। तो दोस्तों प्लस लगा है इधर तो आपको देखना है एक से बड़ी संख्या देखना है, तो एक से बड़ी क्या होती है, दो, क्या दो के ऐसे गुणनखंड होते हैं जिनका अंतर दो हो, तो दो, दो के ऐसे गुणनखंड 2 × 1, इनका बीच का अंतर एक है, हाँ है दोस्तों, इनके बीच का अंतर कितना है, एक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अर्थात इसे 1 × 2 भी लिख सकते हैं आप, तो आपको कुछ नहीं करना है, यही आपका क्या हो गया आंसर, 1 एवं 2 के बीच क्या हो गया दोस्तों, 1 एवं 2 के बीच। एक बार और देख लेते हैं, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जैसे जैसे ही आपको सवाल देखे तो प्लस या माइनस का चिन्ह देखना है, देखेंगे अगर प्लस लगा है तो उसकी आगे वाली संख्या देखेंगे जिसका गुणनखंड हो जाए, जस्ट आगे वाली संख्या, तो 2 का गुणनखंड हो जाता है 1 × 2 में से 1 गया 1, इनका डिफरेंट कितना है बीच का, 1 है इनका डिफरेंस, तो दोस्तों वही हमारा आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। तो दोस्तों कुछ भी आ सकता है, अर्थात आपको ऑप्शन में सीधा ऐसा ही मिलेगा 1 या 2 के बीच। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आपको एक और सवाल लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 3 − 3 − 3 − ... कहां तक, अनंत तक ले लिया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, क्या लगाया यहां पर,
माइनस, तब आपको माइनस लगाए तो तीन के पहले वाली संख्या देखना है जिसका गुणनखंड हो जाए और उनके बीच का अंतर कितना हो, एक। तो तीन से पहले क्या होती है, दो। दो के ऐसे गुणनखंड हो जाते हैं, अर्थात एक गुणे दो हो गए, जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, एक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सीधा, क्या हो जाएगा, एक और दो के बीच, क्या हो जाएगा, एक और दो के बीच, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा इन सवालों में जिनमें गुणनखंडों के बीच का डिफरेंस एक ना हो, तो आपको क्या करना है। जैसे तीन का अगर हम देखते तो दोस्तों तीन के गुणनखंड ऐसे होते, एक गुणे तीन, और इनका जो बीच का डिफरेंस था कितना आ रहा था, दो आ रहा था। अर्थात जब इनके बीच का डिफरेंस एक ना हो तब आपको क्या करना है कि उनसे आगे वाली या पीछे वाली संख्या देखना है चिन्ह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में आपको ऐसा ही आपको सीधा दिया रहेगा। हम आपको एक विधि और बताते हैं जो YouTube पर आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। आपको एग्जैक्टली जो आंसर आता है वो आपको आंसर सीधा सीधा दिख जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम इसकी दूसरी विधि भी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम दूसरी विधि भी। दोस्तों हम देखते हैं इसका सीधा फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सीधा लगाएंगे रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस लगा देते हैं। अर्थात अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इधर पर माइनस है तो यहां पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखते हैं आंसर हमारा कैसे नहीं आता है। तो दोस्तों देखेंगे हम a का मतलब संख्या, a का मतलब संख्या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 × 1 प्लस 1 और प्लस है तो प्लस लगाएंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 × 1 = 5, तो √5 प्लस 1/2, या तो आपको ये आंसर में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर आप देखते ही दे देंगे। हम देखते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर मात्र आप बिना पेन उठाए देंगे, कैसे देखते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों √5 − √5 − √5 − ……। तो दोस्तों आपको हमने जो फॉर्मूला बताया उस वाला आंसर, सेकंड वाला आंसर देखना है आपको, मेथड टू वाला। तो मेथड टू कैसे देखेंगे, सीधा हमने क्या कहा था, बताया था √4a प्लस 1 और प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो माइनस है तो माइनस 1/2, तो सीधा हो जाएगा 4 × 5। देखो हमने बताया था √4a प्लस 1 माइनस 1/2, इधर माइनस है तो माइनस लगेगा और प्लस है तो प्लस, तो क्या करेंगे 5 × 20 प्लस 1 माइनस 1/2, सीधा आपका क्या आ जाएगा 201 √21 माइनस 1/2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपको आपसे फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा आप चार का क्या करेंगे, हर सवाल में चार का सीधा गुणा अंदर वाली संख्या में 5 × 20 और 1 × 21 √21 माइनस 1/2, आप सीधा आंसर दे पा रहे होंगे, या फिर आपको आंसर में सीधा वो दिखेगा जैसे उस विधि से। अगर हम देखते हैं इसको, इसका आंसर क्या आएगा, जो पहली वाली मेथड हमने फर्स्ट बताया था तो उसके उससे आंसर कितना आएगा, तो दोस्तों माइनस लगा है तो माइनस हम देखेंगे 5 के पहले कौन सी संख्या हमारी 4 है, 5 के देखो 5 को उठा के बाहर लाएंगे, इसका 5 × 1 क्या डिफरेंस कितने का है हमारा 4 का, अर्थात ये तो नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, इसके माइनस लगा है तो पीछे वाली संख्या देखेंगे 4 का 2 × 4 नहीं है डिफरेंस, 3 का 3 × 3 इसमें भी डिफरेंस 2 का है, 2 × 2 अर्थात 2 का हम जानते हैं 1 × 2, तो कितना किस आंसर क्या हो जाएगा 1 × 2 = 1 1 × 2 = 1, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप कह रहे होंगे कि दोस्तों आप कह रहे होंगे सर ये तो क्या होगा, सभी के आंसर 1 एवं 2 के बीच आते हैं। तो दोस्तों 1 एवं 2 के बीच का हमारा मतलब है कि किसी का 1.85 आ रहा होगा, किसी का 1.62 आ रहा होगा, किसी का 1.25 आ रहा होगा, अर्थात दशमलव में आपका डिफरेंस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा, आप दोनों तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन √8 √8 √8 √8 कहां तक है, अनंत तक। तो दोस्तों कोई चिन्ह ना लगा हो और
अंडर रूट लगातार लगता चला जा रहा हो, एक जैसी संख्या हो, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आंख बंद करके बिना पेन उठाए आप सीधा वही आंसर लिख दीजिए। कितना आ गया? 8 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। जैसे अगर आपको दे दिया जाए √5 √5 √5 √5 अनंत तक दे दिया जाए, तो बिना आंख बंद के सीधा आपको आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आप 1 सेकंड से भी कम में आंसर दे पाएंगे, मात्र आपको इस वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है √5 √5 √5 √5 √5। ये जो आपको सवाल दिया गया दोस्तों, ये आपको अनंत तक नहीं दिया गया, अर्थात इनफिनिटिव तक नहीं, इसमें डॉट डॉट नहीं है। जब डॉट डॉट नहीं है तब इसका आंसर क्या होगा? तब आपका जो सीधा आंसर होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अंदर वाली संख्या को बाहर उठा के रखना है। बाहर उठा के रखा, अब इसको गिनेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 उतनी बार 2 पर घात चढ़ा देंगे, अर्थात जितनी बार है 2 का गुणा करते जाएं, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। यहां पर क्या लिख दिया, 32। क्या कितना आएगा? 32। और ऊपर हो जाएगा एक कम उससे 31/32। यही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक बार और देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। तो यहाँ पे 32 लिखेंगे और बटे का जो चिन्ह है लगाएंगे, उसके ऊपर एक कम लिख संख्या लिख देंगे 31। तो हमारा 5 की पावर 31/32 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी टाइप का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको अगर दिया रहे √13 √13 √13 √13 दिया गया है, सबसे पहले आपको क्या करना, हमने बताया अंदर वाली संख्या को बाहर उठा के लाइए, रख दिया। अब बाहर उठाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, गिनना है 2 2 4 2 8 2 16 16 और ऊपर एक कम कितना, 15। लीजिए सर, हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों हमने देखा कि मात्र 1 सेकंड से कम में भी आपका आंसर आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमेशा 2 का ही करना है, हमेशा 2 की पावर उतनी ही चढ़ानी है जितने रूट आपको दिए गए हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 दिए गए, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। एक कम लिखेंगे ऊपर, बस एक कम यार, 15/16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 की पावर 15/16। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी दोस्तों। और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें दोस्तों। मैं आपसे इस वीडियो में नहीं बोलूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।